सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर महिला सुरक्षा के लाख दावे किए गए, लेकिन महोबा में एक विवाहिता दबंगों की करतूत से परेशान है और न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मामला एक तरफा प्रेम से जुड़ा है, खुद सुनिए पीड़िता की जुबानी। हमारे ये वहाँ ठाकुर हमें परेशान कर रहे हैं एक साल से, तो हमने उनके खिलाफ मुकदमा कराया था। हमारा मुकदमा हो गया था, उसको वापस लेने के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ा, बहुत प्रेशर पड़ा, हमने वापस नहीं लिया। तो इसके बाद हमसे कहा जा रहा था कि अगर तुम्हारे साथ मैं कुछ भी करा सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी करा सकता हूँ। तो उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद हमारे बच्चे का हमारा अपहरण हो गया, हमारे लड़के का। तो इसकी शिकायत, हमारा बच्चा नहीं मिला, तो हमने इसकी शिकायत थाने में की रात को 10 बजे। तो हमारे लड़के को 5 घंटा हो गया था गायब हुए। जब हम घर पे आए, हमने घर पे देखा तो हमारा लड़का बेहोशी हालत में घर में पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने अपने लड़के को उठाया, फिर हमने पुलिस को सूचना दी कि हमारा बेटा मिल गया है। तो उन्होंने देख लिया बेटे को, कुछ नहीं कहा। जिसने हमारा बेटा लिया है तो हमें करना है कि किसने उठाया हमारा बेटा। हमारे बेटे ने भी बयान दिया कि हमें हमारे मकान मालिक ने उठाया, और ये उसको पता नहीं कि वो कहाँ रहा है, बेहोशी हालत में छोड़ा था। परेशान इसीलिए किया जा रहा, हम वहाँ अकेले रहते अपने बच्चों को लेकर। तो हमारे ऊपर जो सामने वाले ठाकुर हैं, उनकी हमारे ऊपर नियत खराब है एक साल से। तो एक साल से हम उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो घटना के बाद जहां पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ है, तो पुलिस दावे कर रही है कि वो अपराधी पर कार्रवाई करेगी, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। महोबा से अमित श्रोतिया की रिपोर्ट। कुलपहाड़ थाना एरिया में एक कंप्लेंट आया, एक रीता सोनी महिला है, ऐसे कंप्लेंट दे दिया। उनका बेटा 4 साल उम्र का है, उनका अपहरण हो गई, 4 के खिलाफ ऐसे लिखित कंप्लेंट दे दिया, मुकदमा लिखा है। फिर जांच में ये आया, ये महिला ऐसे नामजद कर रहा है, उनकी मकान पर किराए पर रह रहे हैं, किराए भी नहीं दे रहा है, काली भी नहीं कर रहा, ये कंप्लेंट है मकान मालिक का। मकान मालिक के खिलाफ कंप्लेंट दे दिया, मकान मालिक इनके खिलाफ कंप्लेंट दे रहा है। जांच में ये आ रहा है, वो अपहरण का बात वो सही नहीं है, वो बेटा घर में भी है। हम इसका चेक करके निष्पक्ष सही कार्रवाई जल्दी करेंगे, दोनों पार्टी का चेक करके। पूरा मामला कुलपहाड़ कस्बे का है। पहले दबंग ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, फिर उसे धमकी देने लगा, और जब युवती उसके झांसे में नहीं आई तो उसने 5 साल के मासूम बेटे का अपहरण करने की कोशिश की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।